And you know all the facts and figures, so I won't repeat myself. So we know all the violation that's happening there. We know all the problems. We know that many countries, governments are not speaking on this. And we know that this issue is not being highlighted as much as it should be. And we know that young people are not getting involved. And we know that data is not right on the internet. So we know all the problems. So why waste again repeating everything and talking in this room, saying all those things again? So let's move towards the solutions. How can we tackle it? So many people I met in Muzaffarabad and in Britain all repeated the same thing, that they have, they are only like certain things that they can achieve. This, they cannot resolve this problem, and is the job of the Prime Minister, of Pakistan government, and Azad Kashmir Prime Minister and President is not doing much. So yes, that's true, but at the same time, everybody has a responsibility. You can't just always blame the politicians saying that they're not doing much. But as you as a person, ask yourself, what are you doing? Because everybody has a role. Everybody has a responsibility. Whether it's a Kashmir issue or any other problem that's getting faced in the country, you have a role yourself. मैनिफेस्टो हर बंदे का अपना होता है, इस समय इलेक्शन में बहुत यूथ पार्लियामेंट का मैनिफेस्टो, यूथ पार्लियामेंट का मैनिफेस्टो इस साल है कि नाइफ क्राइम कम करें यूके में, और बच्चों को जो 16 साल के उनको वोट का वोटिंग अलाउ करें. You the 18 or the top 14 years, so 16, 17, you're voting allowed. Basically, manifesto depends on the manifesto. Yeah, one person is here. 300 or more cities. Every person implements his manifesto. Because when the manifesto implements, every member goes to the city and goes to the city. So when national debates are in the House of Commons, then they decide what will happen. तो इस साल अभी नाइट ट्राई हुआ है, लेकिन उससे पहले ये जो आप वोट का राइट है उनके लिए मांग रही है यूरोप के अंदर, इसके ऊपर कश्मीर के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर, बिकॉज वहाँ पे लोग इतने अवेयर नहीं है, मोस्ट यंग बच्चों को पता नहीं कश्मीर है. तो इसके आप क्या समझिए कश्मीर का इशू है कि आपकी नजर में क्या है कश्मीर का? मैं क्योंकि हमने वैसे कोई हम बहुत ज़्यादा इवेंट्स अटेंड करते रहे हमेशा से, जब एज ऑफ 11 सा जाते हैं, लेकिन हमें यही लगा है कि वहाँ पे डिफरेंट लॉबीज होती हैं, सम इंडियन लॉबीज, पाकिस्तानी लॉबीज, दे अट्रैक्टिंग देयर ओन वे, लाइक इंडियन लॉबीज कश्मीर टू बी विद देम, और पाकिस्तान लॉबीज पाकिस्तान के साथ रही. लेकिन जो हम ये समझते हैं कि इट्स नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कि कोई ज़मीन के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको उनका हक दिलाने के लिए कह रहे हैं, कि उनको जो प्रॉमिस दिया है. कश्मीर के लिए कौन लड़ाई नहीं कर रहा? कश्मीर नहीं कर रहे, पाकिस्तान नहीं कर रहा. ये कश्मीरियों की लड़ाई जमीन के लिए नहीं है, उनकी लड़ाई है कि उनको जो यूएन ने प्रॉमिस किया था. आप कितने साल की हैं? मैं 19 11 साल की तब से आप काम कर रही हैं, आपने क्या उसमें क्या कर लिया, आपको क्या समझ में आई है कि ये इसमें जो जो हो रहा है कश्मीर के अंदर, इसके पीछे मैन किसका हाथ है, पाकिस्तान के इंडिया का? वेल आई थिंक I won't say who has a big hand, but I think. उसमें आप कौन सी बात कर रही थी? कि Britain का भी बहुत बड़ा हाथ है. I don't think कि India पाकिस्तान का फुट धोखा सकते हैं कि उन्होंने unresolved छोड़ के आगे. Obviously India has. आप इतनी confidence है जिस तरीके से बात कर रही हैं, इसलिए कि आप Britain के अंदर हैं, वहाँ पे रह रही हैं, आप बकुल होती हैं, यहाँ पे बैठ के शर्मा रही होती हैं, आप सब कह सकती हैं कि जो है ब्रिटेन का इस्तेमाल है, आप ये कह रहे हैं ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का इसमें. मेरे ख्याल में पाकिस्तान सबसे बड़ा पाकिस्तान का. देखिए कल जो फायरिंग हुई है अठगाम के अंदर, आप इतनी आपसे छोटी बच्ची वहाँ पे जो है वो जख्मी भी हुई है, और आपसे तकरीबन 10 साल बड़ी बच्ची एक शहीद भी वहाँ पे. किसका हाथ है? मैंने ये नहीं कहा था पाकिस्तान का फॉल्ट नहीं है, पाकिस्तान का भी फॉल्ट है, लेकिन सबसे बड़ा हाथ ब्रिटेन का अनरिजॉल्व्ड है, क्योंकि उन्होंने इसको अनरिजॉल्व छोड़ के आए, जो प्रॉमिस जो यहाँ पे 70 साल में ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है या पॉलिटिशियन है, उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो समझ सके कि ये समस्या को हल किया जाए. दुनिया के सारे मसाइल अमेरिका हल करेगा या ब्रिटेन हल करेगा? नहीं, यूएन के ऊपर लेट किए थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था उनको राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन मिलेगा, नहीं मिला. ऑब्वियसली पाकिस्तान ने इसको इतनी दफा रेज भी किया,
जब तक कोई आउटसाइड जिन्होंने किया वो पावरफुल कंट्री नहीं करेगी तो वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि और ब्रिटेन भी बार बार यही कहता है कि इस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान में नहीं हो रहा है, अगर यू एन जाके और मसले हल कर सकती डिफरेंट कंट्रीज में तो फिर वो ये वाला जाके Black people are killing here.